इसका दूध है 16 लीटर से यार। कितने दिन की ब्याई है ये? आज 10-11 दिन की ब्याई होगी। 10-11 दिन की ब्याई। कितना दूध तैयार है अभी इसमें? इसमें दूध 15-16 लीटर अभी दूध तैयार है। 15 कितना दूध तैयार है अभी इसमें? 12 लीटर तैयार है जी। हाँ जी। ठीक है गुरुवान, आपके अपने YouTube चैनल पे आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की फतेहाबाद मंडी की विजिट में आपको शानदार पशुधन और नॉर्मल प्राइस रेंज से लेकर, कहें कि नॉर्मल पशु से लेकर बढ़िया पशु इस वीडियो में आपको अंत तक देखने को मिलेंगे। इनकी सारी जानकारी जो है वो आप सभी व्यूअर के साथ साझा करेंगे। एक लगभग इस वीडियो में आपको 7-8 पशु दिखाएंगे। इन सभी एनिमल्स की जो सारी जानकारी है वो आप सभी के साथ साझा करेंगे। जैसे कि ये देखिए, एक सींग टूटा हुआ है और ताज़ा सूई हुई भैंस है, इसकी जानकारी जो है वो आप सभी के साथ साझा करेंगे। फिर ये एक झुट्टी, इसकी जानकारी आया जी आया। मैं लगा लूँगा फोन है आपको, चला के दिखा दे। इसके साथ के साथ जानकारी भी बताते रहेंगे। पीछे से थोड़ों का गैप वगैरह देखिए आप। ये देखिए कटता है कि नीचे इसके? साथ के कितने दिन की ब्याई है ये? आज 10-11 दिन की ब्याई होगी। 10-11 दिन की ब्याई। कितना दूध तैयार है अभी इसमें? इसमें दूध 15-16 लीटर अभी दूध तैयार है। 15-16 लीटर अभी दूध तैयार है। तो कितने पैसे की डिमांड करो इसकी? 1-10। और लेना देनी 1-5। अच्छा वाह, और खोलिए खोलता रहे सारी तू। और ये इसकी क्या जानकारी है? ये खार की कट्टी है। अच्छा 7-8 दिन की ब्याई होगी। दांतों में कैसे है? दांतों में ये दो है। दो दांत है। देखिए आप 12-13 लीटर इसमें दूध तैयार है फिलहाल। थोड़ा सा सींग वगैरह फेस कट वगैरह देखिए आप। और घुमा दे भाई, घुमा दे, लंबी ना चला साई। देखिए कितना दूध तैयार है अभी इसमें? 12 लीटर तैयार। 12 लीटर तैयार है जी। हाँ जी। तो इसके लिए कितने पैसे बच्चे के नीचे? इसके नीचे कटड़ी है जी। कटड़ी? हाँ जी। 8 दिन की ब्याई है। तो इसके लिए कितने पैसे की डिमांड कर रहे हो? इसकी डिमांड तो जी 1.5 लाख की करा, देनी 1,25,000 की है। अच्छा, लेना देनी 1,25,000 रुपए। एक ये और खोल दे भाई राय। ये और खोल रहा बड़ी झुट्टी। ये देखिए आप, इसका दूध है 16 लीटर से यार। कितने दिन की ब्याई है? ब्याई होगी जी आज 7-8 दिन की। दूध काटने की 22 लीटर। 7-8 दिन की ब्याई, 16 लीटर दूध। 16 लीटर दूध तैयार बता रहे हैं, 22 लीटर का कह रहे हैं। तो इसके लिए कितने पैसे लेना देने? सही, इसकी कीमत तो 2,10,000 रुपए, लेना देनी 1,60,000 रुपए जी। अच्छा, इसने आ गए। क्या डिटेल है जिसकी? दांतों में कैसे है ये? ये दांत 4 है जी। 4 दांत है। सींग वगैरह देखिए आप और थन वगैरह। ऑर्डर थोड़ा सा साइड गदर और टांगों के बीच की ऑर्डर की। 3-4 दांत। कितने दिन की सोई है जी? सोई होगी जी आज 10 दिन की। 10 दिन। कितना दूध है अभी? 15 लीटर दूध है। पैलन कटड़ी है। 15 लीटर दूध। इसकी लेना देनी इसके मोल थी 2,25,000 कुछ करा लो। 1,70,000 रुपये। 1,70,000 रुपये। हाँ जी। आज एक और देखिए आप, थन वगैरह, थनों का गैप वगैरह बहुत बेहतरीन और ऑर्डर क्वालिटी आप देखें। यह 2 दांत कटी है जी। 2 दांत कटी। कितने दिन की ब्याई है जी? ब्याई होगी आज 6-7 दिन की। 6-7 दिन की ब्याई है जी। 13 लीटर दूध है।
अभी 13 लीटर इसमें दूध तैयार बता रहे हैं। सीन वगैरह देखिए आप, कलर वगैरह, सीन वगैरह। नीचे बच्चा क्या है जी? इसका कटिया जी, कट्टी सिमन की कटिया नीचे। तो इसके लिए लेना देनी जी? लेना देनी इसकी 1,65,000 रुपए जी। लेना देनी 1,65,000 रुपए। एक ये और खोल दे, ग्यापन है नहीं? ये ग्यापन है। ठीक है जी, दिखा दो दिखा दो, कोई बात नहीं। और इसके 10 दिन और पड़े अभी तक ब्याने के, ब्याने के इसके 10 दिन अभी बाकी है। कौन से सुए सुएगी? तीसरे ब्याह जी, तीसरे। दूसरे ने 21 लीटर निकाल रखे इसने। लेंथ जो है बहुत ही बढ़िया, कद नॉर्मल और लेंथ जो है बहुत बढ़िया। अभी अडर गेन करने में टाइम है, लास्ट के 10 दिन आप देख सकते हैं। अडर वगैरह रिंकल्स बहुत ज़्यादा हैं, जब तक भरेगी तो काफ़ी अच्छा अडर जो है वो गेन करेगी। लंबाई देखिए आप भैंस की, इसको नलाया दुलाया नहीं है और पशुओं के जितने लगा रहे थे इसके नहीं। तो इसके लिए कितनी लेना देनी जी? इसके 2,10,000 रुपए जी। लेना देनी सही बता दो। लेना देनी है जी 2,10,000। मोल तो 5,00,000 रुपए करा इसका। अच्छा जी, हाँ जी। तो अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दो अगर कोई और आपसे संपर्क करना चाहे तो। 96717 96717 91-393। घर पे भी पशु उपलब्ध रहे अपने? बिल्कुल बिल्कुल, 15-20 पशु रहे हमारे पास। ठीक है जी। इनका जो घर का एड्रेस है वो मैं वीडियो में लगा दूंगा, जैसे कि हुतराज पशु मंडी में भी सेल के लिए पशु जो है उपलब्ध करवाते हैं और घर पे भी हर समय 10-15-20 भैंस से हर टाइम इनके पास सेल के लिए रहती है। जो भाई हमारे जो व्यूवर्स हैं, कोई भी इनसे पशुधन लेने के लिए संपर्क करना चाहे तो जो हमने पहले नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में भी इनकी जानकारी डाल दी गई, आप वहाँ से भी कॉन्टेक्ट नंबर निकाल के आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करें। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो भाई देश विदेश से हमारे साथ पहली बार जुड़े वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।